वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत सुधा के लेसन 6 यानी 17 पार्ट के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग पेज नंबर 39 ओपन कीजिए अपनी बुक में। हाँ, पेज नंबर 39 पे लेसन 6 का एक्सरसाइज शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है उच्चारण कीजिए। इसमें आपको उच्चारण करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और इसमें प्रथमा द्वितीया इसकी विभक्ति दी हुई है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। कैसे पढ़ा जाएगा आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और फिर उसको रिपीट कीजिएगा। देखिए ऋषि का दिया है प्रथमा, ऋषि ऋषि ऋषिया। फिर यति दिया है द्वितीया इसका, यतिम यति यतीन। पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 40 दिया है विधि, विधि का तृतीया विधिना विधिभ्याम विधिभ्याम विधि भी विधि भी। देखिए धा पर छोटी की मात्रा है विधि और फिर भा पे छोटी की मात्रा है विधि भी और विसर्ग भी है इसमें। फिर निधि है, निधि का चतुर्थी देखिए निधये निधिभ्याम निधिभ्य। अग्नि का पंचमी अग्ने अग्निभ्याम अग्निभ्य। कवि देखिए षष्ठी विभक्ति कवे कव्यो कवीनाम। हरि, हरि का सप्तमी हरौ हरयो हरीशु। मुनि देखिए, मुनि का संबोधन है हे मुने हे मुनि हे मुनिया। तो बच्चों इस तरह से आपको इसका उच्चारण करना है, इसको याद करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पाठ के अनुसार उत्तर लिखिए। आपने जो पाठ पढ़ा है उसमें जो स्टोरी है जो कहानी है उसके अनुसार आपको इसका उत्तर देना है। तो ये इसको सेंटेंस में लिखना है, वाक्य में लिखना है। देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है पहले से ही क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। का देखिए अस्माकम देश का अस्ति। आप लोग अपनी किताब में देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ और जो उत्तर दिया हुआ है वो यहाँ बोर्ड पर दिया है। पहला क्या है क, अस्माकम देश कह अस्ति। तो क्या है इसका उत्तर देखिए दूसरे का अस्माकम देश भारतम अस्ति। क्या उत्तर होगा इसका देखिए अस्माकम देश भारतम अस्ति या का उत्तर होगा। हाँ में देखिए उत्तर श्याम दिशि कह मुकुटवद अस्ति। उत्तर दिशा में कौन है मुकुट जैसा, हिमालय है। तो देखिए उत्तर श्याम दिशि हिमालय मुकुटवद अस्ति। अगर आपको लगे कि टाइम कम है तो आप स्क्रीन शॉट लेके भी इसको लिख सकते हैं। गा देखिए गा क्या है अस्याम अनेकतायाम का दृश्यते। तो क्या दिखाई पड़ता है इसकी अनेकता में भी एकता दिखाई पड़ती है। तो इसका उत्तर क्या होगा अस्याम अनेकतायाम एकता दृश्यते। देखिए केवल एक शब्द जहां पर कह और किम लिखा है वहीं पर हमें केवल एक शब्द उत्तर भरा गया है। इसमें केवल आखिरी वाले में लंबा उत्तर है इसका, बाकी सब में केवल एक शब्द जुड़ा है और बाकी पूरा क्या है क्वेश्चन के ही वाक्य नीचे लिखे गए हैं। घा देखिए देशस्य अद्भुतम वैशिष्ट्यम किम अस्ति। घा में देखिए क्या है अद्भुत विशेषता इसकी क्या है अनेकतायाम एकता। अनेकता में एकता इसकी अद्भुत विशेषता है। तो अनेकतायाम एकता देशस्य अद्भुतम वैशिष्ट्यम अस्ति। अंगा क्या है कथम वयम धन्या। कैसे धन्य है तो इस भारत देश में जन्म लेकर धन्य है। तो धन्या वयम यह भारते देशे जन्म लब्धम। इस तरह से यह आखिरी वाला अंगा वाला उत्तर हो गया। प्रश्न आपके किताब में दिया हुआ है और उत्तर जो है ये बोर्ड पे दिया है। बच्चों आपको टाइम लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। मिलान करना है, बोल रहे हैं आप लोग मिलान कीजिए। अस्माकम देश भारतम से मिलाइए इसका भारतम। उत्तर श्याम दिशि हिमालय हिमालय से मिलाइए। फिर क्या है अनेकतायाम, तो क्या किससे मिलाएंगे हम, अब तो आपको पता चल ही गया होगा एकता। सस्य श्यामला श्यामला से मिलाइए। देशस्य
गौरवम, फिर क्या है कीर्ति अवर्णनीय, कीर्ति को अवर्णनीय से मिलाइए, हो गया परस्पर मेल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपने जो पाठ पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ रिक्त स्थान में शब्दों को भरना है। तो चलिए इसको करते हैं, जो फिलिंग वर्ड है इसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। पहला क्या दिया हुआ है, हिमालय डैश अस्थि, तो क्या भरा जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन ये 4 है, कामे मुकुटवध, क्या भरेंगे इसमें मुकुटवध, ये हो गया। खामे देखिए क्या होगा, अस्याम अनेकतायाम, तो यहां पर क्या भरेंगे अनेकतायाम। देखिए मुकुटवध में भी दाफर हलंत है और अनेकता यहाँ माँ लिखा है ना यहाँ पे, तो उसके नीचे हलंत है। अब पेज टर्न कीजिए, देखिए पेज नंबर 41 पे आइए, गा भारतस्य कीर्ति क्या होगा अवर्णनीय, धा में क्या होगा अस्माकं देशः भारतम, घा में क्या भरेंगे भारतम, और अंगा क्या है देखिए ये प्रश्न में भी आया था, धन्या वयम यह देश देशी जन्म लब्धम, तो यहां पर हो जाएगा भारते, भारते देशे जन्म लब्धम। तो रिक्त स्थान भरों में क्या क्या होगा, चौथे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, का में मुकुटवध है, खा में अनेकतायाम, गा में अवर्णनीय, घा में भारतम और अंगा में भारते। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, स्मरणीयम दिया है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो पहले से जानते हो, और ये जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, विशेषण और विशेष दिए हैं, इसका आपको परस्पर मेल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोल रहे हैं आप लोग मिलाइए, सुंदरह सुंदरह नरह, नरह से मिलाइए, फिर नीचे क्या है सुंदरी, सुंदरी का क्या हो जाएगा नारी, सबसे नीचे दिया है नारी, सुंदरी का किसे मिलाएंगे नारी, फिर दिया सुंदरम, देखिए पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों आ गए हैं, सुंदरम सुंदरम में क्या हो जाएगा पुष्पम, पुष्पम से मिलाइए सुंदरम, फिर दिया है शोभनौ, औ की मात्रा देखिए ग्रंथौ, औ की मात्रा ग्रंथों में आए, शोभनौ का क्या होगा ग्रंथौ, ग्रंथों से मिलाइए, फिर दिया है शोभने ना पर एक ही मात्रा दिया है, तो ये पत्रिके का पर एक ही मात्रा है ना, पत्रिके में मिलाइए, पत्रिके से मिलान करेंगे इसका, फिर दिया है शोभना ना पर आ की मात्रा विसर्ग दोनों दिया हुआ है, शोभना ये किससे मिलाएंगे पत्रिका से मिलाएंगे, पत्रिका में आ की मात्रा और विसर्ग दोनों दिया है जिससे उससे मिलाएंगे, तीसरे नंबर पे शोभना का क्या मिलाएंगे किससे पत्रिका से। अब क्या दिया है लास्ट में शोभनानी, शोभनानी का किससे करेंगे पुस्तकानी, पहले वाले में पुस्तकानी से हो जाएगा, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित पदों के पुरुष और वचन लिखिए, यहाँ पर पद दिए हैं इसका आपको पुरुष बताना है और वचन बताना है। यह क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है क्या पुरुषम और क्या बताना है वचनम, पुरुषम और वचनम बताना है। तो देखिए का पे क्या दिया है
प्रवहंत दिया है, अंत इसमें जुड़ा हुआ है, कौन से पुरुष का है ये देखिए, प्रथम पका है। आप सब लोगों को अब ये पता चल गया होगा प्रथम का है और कौन सा वचन है, अंत लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बहुवचनम। कौन सा हो जाएगा ये, बहुवचनम हो जाएगा। खा में क्या दिया है, दर्शयन्ति, यह भी प्रथम का बहुवचनम हो जाएगा। ये प्रथम का ये क्या होगा, यह भी बहुवचनम होगा। ठीक है, अब गा में क्या दिया है, कथयति, कथयति यह भी प्रथम का है लेकिन यह एक वचन है, कथयति भी प्रथम का एक वचन है, एक वचनम होगा ये। ठीक है, अब घा देखिए, वर्धयसि, वर्धयसि जो है ये मध्यम, असि लगा हुआ है उसमें, यह मध्यम का एक वचन है। वर्धयस जो है वो किसका है, कौन से पुरुष का, मध्यम है और एक वचनम है। हो गया, अंगा देखिए, वर्ण्यता, वर्ण्यता किसका है, यह प्रथमा का है और द्विवचन है, यह प्रथम पुरुष का है लेकिन किसका है, यह द्विवचन का है। हो गया, चलिए देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ये सिक्स का पुरुषम और वचनम दो चीज हमें बताना है, ता में क्या है प्रथम बहुवचन, खा में प्रथम बहुवचन, गा में प्रथम एक वचन है, घा में मध्यम एक वचन है और अंगा में प्रथम द्विवचन है। इसको आप लोग मिला लीजिए, लिख लीजिए। और बच्चों इसी के साथ ही इस लेसन का एक्सरसाइज यहीं पर हमारा खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल मीना ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।